नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जितेंद्र गुप्ता प्लम्बर को। तो दोस्तों, आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं नए प्लम्बर के लिए या नए कस्टमर के लिए। जहाँ पे आपका सेफ्टी टैंक के ऊपर अगर आप सीट लगाना चाहते हैं, वहाँ पे सीट आपका 1.5 फीट हाइट हो जाता है, यानी 18 इंच हाइट हो जाता है। वहाँ पे आप सीट को डाउन कैसे कीजिएगा, जिसे कि कस्टमर को कहना है कि यहाँ पे हमारा सीट डाउन होना चाहिए, हम 18 इंच पे नई सीट लगा सकते हैं, वहाँ पे हमको चढ़ने में दिक्कत होगा, यानी स्टेप आपका 2 हो जाएगा चढ़ने के लिए। वहाँ पे आपको सीट को डाउन रखना है, तो वहाँ पे कैसे आप फिट कीजिएगा कि आपका सीट डाउन होगा, वहाँ पे पीट रेप आप कैसे फिट कीजिएगा, जबकि वो सेफ्टी टैंक पे ही फिट करना है। और सीट का हाइट आपको 6 साढ़े 6 इंच ही रखना है, ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो वहाँ पे आप पीट रेप कैसे फिट कीजिएगा, इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ ये बाथरूम वाला एरिया हो गया, ये आपका बाथरूम वाला एरिया हो गया, ये आपका टॉयलेट वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीट हम फिट किए हुए हैं, जो कि सीट का आप फिट करने का तरीका आप देखिए। इसके नीचे में जो हम क्या किए हैं कि इसका तोराई किए हैं, जो ये आप फर्श देख रहे हैं, फर्श पे यहाँ पे ऐसे तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद हमने उसको रिंग बनाया, ऐसे ऐसे रिंग बनाए, सरिया का रिंग ऐसे बनाकर उसके नीचे प्लास्टिक का बोरिया लगाकर उसके बाद पीट रेप रखकर ढलाई किए हैं। वो भी आपको नीचे से बताएंगे टंकी के अंदर में कि कैसे उसको ढलाई किए हैं। उसके बाद देखिए, इसका जो हाइट है आप देख सकते हैं कि मात्र में आपका 7 इंच हाइट हो रहा है, यहाँ से आपका 7 इंच हाइट हो रहा है, और ये ज़मीन आपका मात्र 3 इंच फर्श बनने वाला है, उससे ज़्यादा फर्श आपका हाइट नहीं होगा, और ये 4 इंच फर्श ही हाइट होगा। तो चलिए, अब नीचे बताते हैं कि आपको अंदर में कैसे फिट करना है। और पीछे से देख सकते हैं कि पीछे से हम जगह इसमें 11 इंच यहाँ पे लिए हुए हैं, और साइड से हमने 12 इंच पे रखे हुए हैं, ताकि थोड़ा सा नल जो है यहाँ पे आगे की तरफ है, इसलिए सीट को हमने पीछे से 2 इंच आगे रखे हैं, ताकि यहाँ नल आप यहाँ से बैठकर आसानी से खोल सकें। तो चलिए बताते हैं, सेफ्टी टैंक के अंदर इसका जो बेस है, जो पीट रेप ढाला गया है, कैसे फिट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम सेफ्टी टैंक के अंदर दिखा रहे हैं आपको। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कैसे फिट किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये आपका पीट रेप हल्का दिखाई दे रहा है, अब इधर से ये जो बोरी दिखाई दे रहा है उसको हटाया जाएगा, और आपको प्लास्टर इधर से भी किया जाएगा और नाला भी उस पर किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे साइफन में बैंड लगाकर नीचे की तरफ लटका दिया गया है ऊपर से, तो ऐसे आपको फिट करना है। इसमें ऐसे फिट करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पीट रेप नीचे नहीं गिरेगा, ताकि उसमें सरिया का जाल बनाकर ढलाई किया गया है। और इसी तरह आप इसे हाइट इतना पे कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फ्लश बैंड भी हम फिट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बाहर बताएंगे कि सेफ्टी टैंक से आउटलेट पानी निकालना कैसे है और किस टैंकी से निकालना है। इसमें 2 टंकी बना हुआ है, ये आपका एक नंबर टंकी का पाइप दिख रहा है, और ये 2 नंबर में देखिए आउटलेट पानी निकालने के लिए होल किया जा रहा है, जो टंकी जब आपका भर जाएगा तो ओवरफ्लो पानी यहाँ से आपका निकलेगा। और यहाँ देखिए 3 इंची का पाइप डाला हुआ था इसमें 75 mm आउटलेट निकालने के लिए, तो इससे पानी आपका जाम हो जाएगा। आपको 4 इंच पाइप इसमें हम डालेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे होल हो गया, और 4 इंची पाइप हम यहाँ पे डाले हुए हैं। देखिए इसमें अंदर में हम टी लगाकर डाले हुए हैं, और टी में नीचे 1 फीट का पाइप उसमें जोड़कर नीचे लटकाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें पाइप जोड़कर हमने नीचे की तरफ लटकाए हुए हैं, ताकि जो भी कचरा होगा वो आपके नीचे से पानी के ऊपर कचरा छटा जाएगा, और नीचे से सिर्फ फ्रेश पानी इधर से आपका बाहर निकलेगा। तो इसी तरह से आपको फिट करना है, और अच्छे से आपको जाम कर देना है कि ताकि लीकेज नहीं हो यहाँ से। और ये वाला देखिए 3 इंची का पाइप निकाला हुआ था, ये बिल्कुल जाम हो जाएगा। और ये 1 नंबर टंकी में डाला हुआ है, हमने आउटलेट पानी 2 नंबर टंकी से निकाल रहे हैं। तो आपको जिसमें लेटिंग जहाँ पे गिरता है आकर 1 नंबर में, वहाँ से आपको नहीं निकालना है आउटलेट, आउटलेट आपको 2 नंबर से निकालना है। और जहाँ पे सिंगल टैंक है वहाँ से एक साइड से ही निकालना है, जिधर से आप पाइप डाल रहे हैं
इनलेट, वहां से आउटलेट आपको नहीं निकालना है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।